हेलो, मैं ऋषि शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल न्यू मॉडर्न डेकोरेशन। आज बात करने वाले हैं हम लोग बेलून गेट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पंप की सहायता से बेलून को पंप करते हैं और फिर उसे बांध देते हैं। जैसे हम लोग चार बेलून करके बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, तो दो एक कलर का, दो एक कलर का। देखिए वहाँ पर हम लोग रिबन की सहायता से बेलून गेट बनाते हैं। रिबन की सहायता से बेलून को पहले किसी एक जगह रिबन को टिका देते हैं, फिर हम लोग रिबन की सहायता से बेलून को क्रमबद्ध तरीके से बांधते हैं ताकि उसका एक डिज़ाइन निकल के आए। जैसे सिंगल कलर आप देखते हैं उस तरह से हम लोग बनाते हैं। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और इस तरह से हम लोग पूरे जब तक बेलून का गेट बनने जाता है इसी तरह से रिबन का प्रयोग करते हैं। और आप भी रिबन का प्रयोग करें। हमारे चैनल पर बेलून गेट से संबंधित बहुत सारी वीडियो है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। या जो भी लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं कृपया इंस्टाग्राम पे फॉलो किए ताकि हम नया नया डेकोरेशन का वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। और बेलून कौन सा बेलून का प्रयोग करें बेलून घर बनाने में, इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर डाला गया है। और गाड़ी कैसे सजाया जाता है या रिबन कैसे मारा जाता है, सभी प्रकार के वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पर। कृपया चैनल पर जाएँ, वहाँ विजिट करें और सभी वीडियो को देखें और जहाँ तक हो वीडियो को शेयर करें। और जैसे आप देखते हैं ये पंप है, हम लोग इसे एक बार में डबल पंप बेलून को पंप करते हैं और फिर उसको हम लोग अच्छी तरीके से बांध देते हैं ताकि खुले भी नहीं। और यह बेलून इलेक्ट्रिक से चलता है, बेलून पंप इलेक्ट्रिक से चलता है। आपके पास इलेक्ट्रिक का जुगाड़ है तो आप वहाँ लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी तरह का वीडियो और इसी तरह का नया नया कॉन्सेप्ट लेकर अगले वीडियो में। जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि नया नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको। और इस तरह से बेलून को हम लोग इसमें फंसाते हैं, देखिए फंसाते हैं ताकि खुले भी नहीं। और इसी तरह से हम लोग उसको देते हैं और वहाँ देखिए इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।